और JEE की परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर जाने की जिद पर पुलिस से कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। जेल चुंगी स्थित सपा कार्यालय से सपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौधरी व अतुल प्रधान के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट की ओर नारेबाजी करते हुए रवाना हुए। इसी दौरान DN कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सम्राट मलिक व अन्य युवा नेता भीड़ लेकर पहुंच गए। पुलिस ने कार्यालय के पास 2-3 जगह पर बैरियर लगा रखे थे। बैरियर हटाकर सफाई आगे बढ़े तो कार्यकर्ताओं को जेल चुंगी चौराहे पर घेर लिया। इसके बाद सपा नेता वहीं धरना देकर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट जाने की जिद करने लगे। ACM व CO सिविल लाइन ने उन्हें समझाया कि उनका ज्ञापन DM को पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद कार्यकर्ता वापस लौट गए। सपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौधरी ने कहा कि परीक्षा केंद्र 400 किमी दूर है, कहीं ठहरने की सुविधा नहीं है। वर्तमान में 70% छात्र परीक्षा नहीं दे पाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने मास्क भी नहीं लगा रखे थे, जिस कारण संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। जहां सरकारी मशीनरी उनकी चेन तोड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए है, वहीं सपा कार्यकर्ताओं धरना देते समय मास्क का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। यह हाल तो तब है, मेरठ जिले में प्रतिदिन वायरस के मरीज की संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे तो चेन टूटने से नहीं रही। खराब है, करोड़ों लोगों को मुंह पे धकेलना चाहता है प्रशासन। जब संख्या 75,000 रोजाना हो गई है, इतनी कम टेस्टिंग है, तो ऐसे समय में लाखों बच्चे जो NET GE की परीक्षा, IIT की परीक्षा देने के लिए जिनसे कहा जा रहा है, उनको मौत में मुंह में धकेलने का काम ये सरकार करना चाहती है। हर दिन जिस समय गृहमंत्री कोमा में हो, इस समय के पूर्व के राष्ट्रपति कोमा में हो, कई यहाँ के कैबिनेट लोगों की, कैबिनेट के मंत्री के लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम इस परीक्षा का विरोध करते हैं। एक साल के लिए बच्चों को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहते हम लोग। उसको लेकर कल गवर्नर हाउस पे आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन को कुचलने का काम इस तानाशाही सरकार ने पुलिस को आगे करने का काम, आज उसको लेकर यहाँ मेरठ में हजारों की संख्या में नौजवान साथियों ने प्रोटेस्ट किया और प्रशासन के लोगों ने एक तरीके से अपनी हार मानी, न गिरफ्तार कर पाए और न हमारी किसी तरह की और हमें कलेक्ट्रेट तक जाने दिए। तो हम लोग डटकर आने वाले समय पर भी इन चीजों का मुकाबला करेंगे, जिस तरीके से लगातार। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।